Rana, rana. हेलो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे जो भी मेरे से उम्र में बड़े हैं उनके आगे नरमस्तक होती हूँ प्रणाम करती हूँ जो भी मेरे से छोटे हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार तो मॉर्निंग की सुबह हो चुकी है साढ़े पाँच बजे कितना उजाला हो जाता है पापा जी गए हैं मंदिर की तराई करने के लिए और जैसा कि देख रहे हैं आप लोग मंदिर पूरा बन चुका है मैं आ गई नीचे और नीचे आकर मैंने झाड़ू लगाई फिर थोड़ा सा जो पानी है वो छिड़का और इसके बाद फिर मैं आ गई ऊपर बालकनी में जैसा कि आप लोगों को पता है आज एकादशी है संडे वाला दिन है तो आज मैं किस तरीके से अपना जो रूटीन है कैसा मेरा दिन जाता है वो आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी तो यहाँ पर जितने भी रात में दीपक लगाए थे सारे मैंने उठा लिए हैं अब बालकनी को क्लीन कर देते हैं यहीं बैठ के आज रविवार की भी पूजा करनी है तो बस एक तरफ मैंने झाड़ू लगाई इधर साइड में और यहाँ पर सारी तुलसी माँ है भगवान जी के सारे पेड़ पौधे हैं तो फिर यहाँ पर कपड़े से ही साफ कर लेती हूँ झाड़ू नहीं लगाती क्योंकि कहीं ना कहीं तुलसी मैया को टच हो जाए किसी को टच हो जाए तो बहुत पाप पड़ता है तो उधर साइड में सारे कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ बस और अगर कुछ लोग होते हैं जो चाय भी पी लेते हैं पानी भी ले लेते हैं तो अपनी अपनी इच्छा है अपनी बॉडी के हिसाब से आप एकादशी के दिन नहाने से पहले ले सकते हैं तो बस यहाँ पर बालकनी साफ़ करी उधर रूम में लगाई झाड़ू यहाँ पर हस्बैंड और जो बच्चे हैं दोनों लोग गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए आज तो वो सुबह ही निकल गए थे नाइशा भी अब सोकर उठ गई हैं नाइसा अपना कल मेला गई थी कल दोबारा से मेला गई थी उस दिन तो गई थी दोबारा से मेला गई थी बुआ के साथ में तो बहुत अच्छी छोटी छोटी सी ना गोलियां लेकर आई थी जो कि पानी में बड़ी हो जाती हैं तो उन्हीं को देख रही थी कितनी क्यूट है छोटी वाली रह गई है ना बड़ी वाली ब्लू वाली तो हो गई तुम हैप्पी हो खुश नायशा सो के उठी तो यही देख रही है तो बचपन से अच्छा लगता था अब जल्दी उठो ब्रश व्रश कर लो चलो आज तो संडे आज नहीं जाओगी बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों में कितनी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं और ये जो बॉल्स लेके आई है ना नाइशा ये हम भी बड़ा बचपन में लेके आते थे और मतलब बॉल में रखते थे जब ये बड़ी हो जाती थी तो बड़ा अच्छा लगता था तो बस अभी नायशा शो कर उठी अब इनको ब्रश वग़ैरह करवाते हैं और फ्रेश व्रेश होंगी फिर इनको जाना है अपना जाती हैं क्या बोलते हैं उसको समर कैंप हाँ वहाँ इन्होंने पच्चीस दिन का लिया है तो वो स्टार्ट है इनका तो संडे वाले दिन भी इनको जाना है फिर यहाँ पर मैंने सारी क्लीनिंग कर ली घर की फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ आज मैंने सोचा कि येल्लो कलर पहन लेती हूँ क्योंकि विष्णु भगवान का दिन है एकादशी का तो बस यहाँ पर थोड़ा सा अपना स्किन केयर किया सनस्क्रीम ज़रूर अप्लाई करना चाहिए आप सभी लोगों से भी कह रही हूँ सनस्क्रीम ज़रूर लगाया करें चेहरे पर चाहे आप घर के अंदर रहें चाहे बाहर रहें चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मी हो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए तो बस अब मंदिर में आ गई हूँ और मंदिर में आने के बाद सबसे पहला काम होता है मंदिर की क्लीनिंग करना पहले मैं नहाने से पहले कर लेती थी पर मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे लोग कहते थे कि नहाने से पहले आप में मत जाया करिए तो अब मैं क्या करती हूँ नहाने के बाद ही मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ तो एक कपड़ा मैंने रख रखा है सूखा जिससे मैं मंदिर की पूरी जैसे एक झाड़ू टाइप की वो लगा देती हूँ इससे पूरा झाड़ देती हूँ फिर एक गीला पोछा रहता है उससे पूरे मंदिर में मैं पोछा लगा देती हूँ और अब मैं ले जाऊंगी सारे जो बर्तन हैं उनको ले जाऊंगी नीचे सारे बर्तन क्लीन करके लेकर आऊंगी तो बस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पूरे बर्तन में क्लीन करके लेकर आ गई हूँ अब जितने भी मेरे पूजा के प्लांट हैं उन सब भगवान में सॉरी पूजा के पेड़ में जल चढ़ा देती हूँ अर्पित कर देती हूँ और कुछ लोग कहते हैं कि तुलसा जी में जल नहीं देते हैं एकादशी के दिन तो तुलसा जी में मैं नहीं दे रही हूँ मेरे सालिक राम भगवान वहीं पर रखे हुए हैं तो उनमें मैं जल ज़रूर अर्पण करती हूँ उनकी पूजा करती हूँ आज के दिन सालेग्राम भगवान की पूजा करना भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है और ज़रूरी होता है फिर इसके बाद में यहाँ पर सूर्य देव की मैं यहाँ पर दीपक लगा बैठी हूँ थोड़ा सा उनका ध्यान करती हूँ पाठ करती हूँ और फिर उसके बाद मैं उनको जल अर्पण करूंगी क्योंकि जो रविवार का दिन होता है वो सूर्य भगवान का ही दिन होता है रेना, रेना, रे मेरी जितनी भी पूजा थी बालकनी में वो सारी हो गई आज मंदिर नहीं जाना था तो वो थोड़ा मेरा समय बच गया है तो बस अब मैं यहाँ पर सारे जो मेरे भगवान जी हैं उनको स्नान करवाती हूँ तो जो एकादशी जैसे तिथि होती है ना जैसे कोई पूर्णिमा हो अमावस्या हो कुछ भी स्पेशल तिथि होती है ना तो उस दिन मैं क्या करती हूँ भगवान को या तो पंचामृत मिल जाए तो उससे स्नान कराती हूँ नहीं तो पीला जो चंदन होता है इससे मैं स्नान जरूर कराती हूँ भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है पीला चंदन तो सबसे पहले कोई भी पूजा स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर धूप दीपक लगा देती हूँ क्योंकि कोई भी पूजा शुरू करने से पहले धूप दीप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो बस यहाँ पर दीपक लगा देते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज बड़ी तिथि या कुछ भी होता है ना तो उस दिन भगवान के वस्त्र भी मैं चेंज करती हूँ डेली तो नहीं चेंज करती हूँ पर हाँ उस जिस दिन कुछ स्पेशल दिन होता है तो उस दिन भगवान के कपड़े भी ज़रूर चेंज होते हैं तो यहाँ पर गद्दी ले ली है और यहाँ पर माता रानी की मैंने एक रेड कलर की ड्रेस ली है लड्डू गोपाल के भी सभी भगवान जी के आज कपड़े चेंज होंगे तो बस यहाँ पर पीला चंदन पीताम्बर से भगवान जी को स्नान करवा देते हैं लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को और गणेश जी को उसके बाद घंट है उसको भी स्नान डेली करवाना चाहिए फिर इसके बाद भगवान का लगातार आपको नाम जाप करते रहना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवा क्योंकि आज के दिन इस नाम का लेना बहुत ज्यादा मतलब अगर आप आज के दिन इस जाप करते हो ना मन ही मन खाना बनाते किसी भी चीज़ में भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवा तो उसका आपको पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है और वैसे भी डेली आप किसी भी काम कुछ भी कर रहे हो ना तो भगवान का नाम लेते रहना चाहिए उसी को हम जब कहते हैं ग्रस्त जीवन में हम एक जगह बैठ तो घंटों नहीं कर सकते इसी तरीके से करना चाहिए फिर यहाँ पर मेरी आरती मेरी पूजा सारा कुछ हो गया था यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आंटी नीचे आ गई हैं ऊपर भी पोछा लगाएंगी तो मैं यहाँ पर पहले मशीन में जल्दी से कपड़े धुल लेती हूँ क्योंकि उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं पानी गिरता है तो फिर और फिर चिप 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 होता है तो मतलब पहले ही मैं सारे कपड़े वगैरह ये धुल लूँगी हस्बैंड से मैंने फूल मंगाए थे जो कि लेट हो गया आज गाड़ी डालने गए थे तो वो थोड़ा सा लेट हो गया फूल लाने में लाने में तो मेरी पूजा तो हो गई थी और मैंने काफ़ी देर वेट भी करा मंदिर में ही बैठी रही मैं पाँच मिनट तक अपने फ़ोन में चीजें देखती रही मैंने कहा यहीं बैठी फिर जब क्या पूजा से मैं उठ जाती हूँ ना फिर उसके बाद और काम एक्स्ट्रा करने लगती हूँ फिर उसके बाद मेरी इच्छा नहीं करती कि मैं भगवान की मूर्ति को स्पर्श करूँ फिर सीधे शाम को मैं नहा कर या फिर कपड़े बदल कर फिर मैं भगवान के जो है दीपक वगैरह और मूर्ति को स्पर्श करती हूँ ये देखिए ये अब ला रहे हैं फूल जब मेरी पूरी पूजा हो गई अब कोई मतलब नहीं है अब तुम चढ़ाओगे ये ठीक है तो अंद लो मैं रख दो अब नहा नहाने के बाद चढ़ा देना ठीक है सारे फूल ये मतलब तो कुछ नहीं जैसे मैं चढ़ा तो सकती हूँ पर अब नहीं अब मैंने कपड़े उपड़े सब लगा दिए अब ये चढ़ा देंगे फिर इसके बाद में पूजा के जो जितने प्लांट होते हैं ना मतलब आंवला है समीपत्र है केला है इनमें तो जो ताज़ा जल भर के लेकर आती हूँ ना वही डालती हूँ और जो वैसे लगे हैं मेरे जेड प्लांट उनमें मैं नॉर्मल यही बकेट से लाकर बाथरूम से डाल देती हूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा सूख थे तो मैंने कहा लाओ इसमें भी पानी डाल देती हूँ फिर इसके बाद में हस्बैंड आ गए थे नहाकर और पता है फूल चढ़वाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था हो होगी फूल बोलते हैं बताओ कहाँ रखने हैं तो मैंने कहा भगवान को रखे नहीं जाते हैं फूल चढ़ाए जाते हैं तो बस इनको बताती गई कहाँ कहाँ भगवान को चढ़ाने हैं फिर इसके बाद मैं अपने लिए और आंटी जी के लिए बनाने लगी चाय क्योंकि जो हमारी आंटी आती हैं ना जो मेरी काम में हेल्प करती हैं तो भी वो भी एकादशी पूर्णिमा प्रदोष वो भी व्रत रखती हैं काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं नहा धो के पूजा पाठ करके ही वो आती हैं तो आज उनका एकादशी का है बता रही थी कल प्रदोष का है तो बस यही है कि उनको भी बड़ी शुद्धता से सारी चीज़ें जब अपने लिए बनाती हूँ ना तो उसी टाइम आंटी के लिए भी मैं निकाल देती हूँ तो बस यहाँ पर पूरे मैंने सारे डब्बे खकोर मारे कहीं भी पता है मखाना नहीं मिला मुझे मैंने मंगाए थे और वो किसी डब्बे में रखे गए हैं पता नहीं कहाँ रख दिए हैं वो मिले ही नहीं तो फिर मैंने यहाँ पर मूँगफली के जो दाने हैं इनको ही रोस्ट कर लिया है और चाय बना रही हूँ अपने लिए और देखते हैं हस्बैंड भी पीते हैं कि नहीं आ जाइए आप लोग भी और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कि आज किस किस का व्रत है एकादशी का और इस व्रत को रखने से अभी मैं पहले नहीं रहती थी अभी मैंने जल्दी में ही स्टार्ट किया है मुझे इतना अच्छा लगता है पूरे दिन इतनी एनर्जी रहती है बहुत अच्छा फील होता है तो फ्रेंड्स आज ना जैसे कि आप लोगों को पता है आज के दिन चावल नहीं बनते हैं तो मम्मी जी ने कहा कि दाल बना लो और थोड़ा सा दलिया बना लेना तो बस यहाँ पर दाल मैं यहाँ पर धुल के थोड़ी देर रखूँगी पाँच मिनट और हस्बैंड केला भी लेकर आए हैं तो उसको भी धुल के भगवान जी को प्रसाद चढ़ाकर ऊपर तभी मैं खाऊंगी और यहाँ देख सकते हैं दाल को ना धुलने के बाद में पाँच मिनट थोड़ा पानी में भिगो कर रख दो तो बड़ी अच्छी बन जाती है और यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी जी ने कांच की बदनी धुल के रखी है मम्मी जी के अचार कभी खत्म नहीं होते कभी कोई सा अचार डालती हैं कभी कोई सा अचार डालती हैं यहाँ पर देख सकते हैं साबूदाना में किसी ने ना मूंगफली के दाने मिक्स कर दिए तो इनको बस अलग करूँगी और यहाँ पर अपने लिए साबुदाना गला कर रखूँगी जो कि तीन चार बजे तक मैं बना लूँगी आज मैं आप लोगों के साथ में ना लाइव भी जुड़ूँगी पाँच बजे तो आप लोग आना आप सभी लोगों को इन्वाइट कर रही हूँ लाइव में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करूँगी तो वैसे मैंने आ, एंड में आपको पूरा बता दूँगी पर अभी भी मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दाल में सारे मसाले डालकर नमक डाल के थोड़ा सा घी डाल दूँगी उससे क्या जब भी आ, सीटी आएगी ना तो वो आ, पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है घी डालने से तो बस यहाँ पर आ, दाल भी बनने के लिए रख देती हूँ और आप... ये बोलूं प्रोबंगा हम्म बता नहीं बोलता था पर बड़ा बड़ा का ये हो रहा है बहुत मजा आया बहुत मजा आया तो यहाँ पर हस्बैंड को पापा जी ने भेजा है किसी काम के लिए ऊपर और यहाँ पर मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि उससे पहले मैंने बोला था इनसे किसी काम के लिए तो इनने साफ मना कर दिया था तो मेरी यहाँ पर हंसी नहीं रुक रही थी तो बस और मैं ना ये जो कपड़े हैं ना मैं यहीं डाल रही हूँ ऊपर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ड्रायर करे हुए हैं तो यहीं सूख जाएंगे ये रेलिंग पर तो फ्रेंड्स कपड़े वगैरह डाल दिए हैं दाल चढ़ा दिया भगवान जी को भोग लगा लिया अब एक आध केला हम भी ले लेंगे और सावधानी खिचड़ी तीन चार बजे तक बनाऊंगी आज आप लोगों से एक बात करनी है इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करना है पाँच बजे हमारी पूरी फैमिली लाइव आएगी इंडियन ब्लॉगर गौरी पर तो मतलब जिस पर ये ब्लॉग अभी दो बजे अपलोड हो जाएगा आप लोगों को मिल जाएगा तो इसीलिए बता रही हूँ कि जिससे आप लोग ये ना कहो कि हमें पता ना चला लाइव के बारे में हमें पता ना चला तो इसलिए बता रही हूँ लाइव में आप सभी लोगों को जरूर आना है मम्मी जी पापा जी फैमिली हमारी पूरी फैमिली रहेगी आज की लाइव में तो आप सभी लोगों को जरूर 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 आना है चार बजे और इस ब्लॉग को अपना यहीं पर एंड करती हूँ मिलते हैं कल के ब्लॉग में वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें सभी को राम राम जय श्री कृष्णा और हाँ एक चीज तो कहना भूल ही गई आप लोगों से आप लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि दीदी इवनिंग रूटीन अपना शेयर करिए तो गौरी की लाइफ स्टाइल पर मैंने अपना इवनिंग वाला ब्लॉग शेयर किया है पूरा शाम को कैसे किस तरीके से पूजा करती हूँ किस तरीके से अपना शाम का जो रूटीन रहता है तो जाकर जरूर देखिए पूरा सत्रह मिनट का मेरा ब्लॉग बना है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट यही रहती है कि दीदी बड़ा ब्लॉग बनाइए बड़ा ब्लॉग बनाइए तो बड़ा बनाया मैंने तो वो गौरी की लाइफ स्टाइल पर है जाकर आप लोग देख सकते हैं